ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष व वार्ड नंबर 66 की पार्षद श्रीमती श्वेता शर्मा के नेतृत्व में बजरंग चौराहा महुली रोड मथुरा पर एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के माध्यम से अपने वार्ड के लोगों को सड़क पर रोकते हुए अपने वार्ड को स्वच्छ बनाने के लिए जागरूक किया गया। सड़क पर जो लोग पॉलिथीन बैग्स ले जा रहे थे उनको रोकते हुए प्लास्टिक से होने वाली हानियों से अवगत कराते हुए गुलाब के फूल के साथ कपड़े का बैग देते हुए भविष्य में प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का संकल्प दिलाया गया। कपड़े के बैग का इस्तेमाल करने का अनुरोध करते हुए ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष विनोद दीक्षित ने कहा कि पर्यावरण अगर बचाना है तो अपनी जिंदगी में पॉलिथीन को खत्म कर देना चाहिए, इसीलिए हम लोग अपने जीवन में पॉलिथीन के इस्तेमाल को बंद कर रहे हैं। उन्होंने कैंप में शामिल होने वाले लोगों को बधाई देते हुए इस प्रयास की सराहना की। सामाजिक कार्यकर्ता कमल शर्मा ने कहा कि समाज में पॉलिथीन एक अभिशाप है, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। जागरूकता अभियान में मनोज शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, आशुतोष द्रोण, ओजस्विनी शर्मा, तेजस्वी शर्मा, केदार अग्रवाल, कविंदर यादव, श्रीमती रेखा शर्मा, संदीप शर्मा, केदार अग्रवाल, कमलेश भारद्वाज, शैलेंद्र भारद्वाज, ब्रजेश शर्मा, डोरीलाल गौतम, जिज्ञासा गीतांजलि प्रथम भारद्वाज, गीतांजलि प्रथम भारद्वाज, श्रेष्ठ चिराग, नीतू अग्रवाल, राखी द्रोण, ममता चौधरी, जिज्ञासा आकाश, कीर्ति भारद्वाज, जय भारद्वाज, गौरी भारद्वाज, गर्मा, खुशी नंदनी आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे।